कौन सा आम है? सिंदरी आम है। बता रहे हैं कि इस पेटी में 9 किलो आम है। माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त आम है जी। अच्छा अच्छा आड़ू है। केले दे अपने नहीं है? नहीं अपने नहीं, किसी दे तड़ा तड़ खाई जाता है। लो जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट राजा आमिर और इस टाइम मैं मौजूद हूं बाज़ार में। आज चूँकि फ्राइडे था और फ्राइडे को आपको पता है कि सारी दुकानें बंद होती हैं और यहाँ पे फ्रूट की काफ़ी ज़्यादा रेड़ी लगी होती हैं, तो आज यहाँ पे पता करते हैं कि फ्रूट का क्या रेट है और ये फ्रूट कहाँ से लेके आते हैं और किस रेट से ये सेल कर रहे हैं। और आपको तो पता ही कि आजकल आम का सीज़न है और ये भाई साहब यहाँ पे खड़े हैं। इस भाई साहब ने ये आम लगाए हैं। ये कौन सा आम है? सिंदरी आम। सिंदरी आम, सिंदरी आम है, सिंध का आम है। किस तरह दे रहे हैं आप ये? 200 रुपये। अच्छा ये बताएँ कि ये एक नंबर है दो नंबर है? क्वालिटी भी होती है ना इसमें। तो कितना आम लेके आए हैं आज आप? आज 50 पेटी लाए। 50 पेटी लेके आए हैं। तो ये आम को आप इतने एहतमाम से जोड़ रहे हैं, आम सारा सही निकल रहा है पेटी से? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये कौन साहब हैं आपके साथ? ये मेरे फूफा जी। वालिद साहब हैं जी? वालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। ये आम तो चेक कराएंगे, सारे आम दाने तो सारे ठीक हैं। अच्छे आम। मैंने सुना था कि आम जो है वो ऊपर अच्छा होता है नीचे गंदा होता है, ऐसा तो नहीं है? ये सारा आम अच्छा है। ये जी पेटियाँ पड़ी हैं, ये एक और पेटी आ गई है। कौन है जी पेटी को आप? इस पेटी में कितने किलो आम है? इसमें 9 किलो आम है। बता रहे हैं कि इस पेटी में 9 किलो आम है। माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त आम है जी, जबरदस्त। एक पेटी में 9 किलो आम, कितने की पेटी पड़ी है आपको? ये 1400 रुपये की। बता रहे हैं कि 1400 की पेटी पड़ी है। और किस तरह किलो बेचेंगे आप? 200 रुपये। 200 रुपये किलो, तो कितनी बचत हो जाएगी किलो के साथ? 200 रुपये में प्रॉफिट आ जाती है। 200 रुपये पेटी, एक पेटी के साथ बता रहे हैं कि 200 रुपये बचत हो जाती है। तो सारी बात इतनी बचत तो होनी है इनकी, इतनी गर्मी में यहाँ पे हैं और आज धूप भी काफ़ी तेज़ है। सुबह कितने बजे गए थे आप लोग मंडी में? सुबह 5 बजे। 5 बजे गए थे। अच्छा ऐसा है कि मैं आगे से होके आ रहा हूँ, आप मेरे लिए ना 5 किलो आम, 200 रुपये किलो आपने लगाया, तो मुझे आप किस तरह किलो लगाएंगे? कोई मोहब्बत प्यार कोई 10-15 रुपये किलो का मुनाफा है? 10-15 रुपये किलो का मुनाफा है, बड़ा मुनाफा है। आज तो आम ही बड़ा सेल होना है। चलिए 190 लगा देना है, 5 किलो आम मेरे लिए ना आपने निकालना अच्छे वाला। तो मैं आता हूँ, मैं आगे देखता हूँ ये रेडी वाले आगे क्या लगा हुआ है। केला लगा हुआ है? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी। क्या हाल है भाई जी? से ठीक है जनाब अल्हम्दुलिल्लाह। केला क्यों नहीं लाए जी? केला लाया जी 250 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये। 250 रुपये केला केला है? 250। ये जी देख लें पाकिस्तान में महंगाई। ये केला पहले होता था 100 रुपये दर्जन, 120 रुपये दर्जन, ऐसी ही है ना? तो अभी 250 रुपये दर्जन है। ठीक है, दर्जन के साथ पैसे बच जाते हैं आपको? 15-20 रुपये बच जाते हैं। 1000 रुपये की दिहाड़ी बन जाती है? 1800 देता है हक लाल का माशाल्लाह। ये जी यहाँ पे खुमानी की रेड़ी लगी हुई है। खुमानी कोई एक क्वालिटी की नहीं लगती, क्या ख्याल है? तीन क्वालिटी की है। किस तरह किलो है? 120 रुपये किलो। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसी तबीयत है? ठीक है। आज आपने रेडी शरीद लगाई? लगाई आड़ू और खुरबानी लगाई। आड़ू और खुरबानी जी, फ्रूट सस्ता बेच रहे हैं हम। ये आड़ू किस तरह लगाया हुआ है? 120 में सस्ता है। अच्छा तो मुझे आप किस तरह लगाएंगे? 120 है, 10 रुपये छोड़े नहीं यार, 130 ही देंगे आपको। सस्ता नहीं बाकी
अच्छा अच्छा आड़ू है, जूसी लग रहा है, जूस वाला लग रहा है, बिल्कुल सही है। चल लेते हैं। और खुबानी किस तरह है? 200 वाली 150 पे। अच्छा बनाने मतलब केला खाना पे सारे। और थोड़ी रेडी केड़ी है? उसी ने केला लाइन है, केला कितों आ गया? बता रहे हैं कि माल नहीं होता जी, दाल केले खाना रुकता ही नहीं है। अच्छा टोकरियां दी फूड कर देंदा सारे केले खा। केले दे अपने नहीं है? नहीं अपने नहीं, किसी दे तला तड़ खाई जांदा। लो जी, तो वो इन्हां दी खुबानी खाने होणगे। खुबानी ओ खाने फिर जी पूरे ने खाने। आप तुसी एक दूजे दा साथ बराबर करदे करदे अपने नुकसान कर जांदे हो। हां जी लो जी, भाई जबरदस्त पकौड़े बना रहे आज हैं, मज़ा आ जाएगा। किस तरह पाओ हैं? 120 पे पाओ। और समोसा कितने का जी? 100 रुपये के तीन। और एक कितने का? 140 का। तीन लेने हो तो 100 रुपये के, ठीक है। और टिक्की किस तरह है ये? टिक्की 100 की 4 होगी, ठीक हो गया। ये तो यहाँ पे लगाई है खुबानी, ये सफेद खुबानी है, सफेद कोयटे वाली तो नहीं है वो तो भाई, ये कोयटे वाली खुबानी है। ये किसने लगाई आपने? 300 रुपये किलो, सही है। और ये आड़ू जो है, आड़ू अच्छी क्वालिटी का लग रहा है जी, आड़ू अच्छी क्वालिटी का है। वो खुबानी में कोई रियायत नहीं है? 300 रुपये बहुत ज़्यादा रेट है। फाइनल 280 रुपये कहते हैं खरीद है, और फाइनल 300 रुपये है। अस्सलाम वालेकुम जी। फालसा किसने लगाया आपने? 150 रुपये किलो। ये फालसा जनाब 150 रुपये किलो। मीठा है खट्टा है? ये खट्टा मीठा ही होता है, इसमें मीठे वाली बात होती नहीं। बादाम 150 रुपये किलो, 200 वाली 150 रुपये किलो, मिट्टी फरमानी 150 रुपये किलो, फरमानी बादाम 150 रुपये किलो, फरमानी बादाम 150 रुपये किलो, 200 वाली 150 रुपये किलो, फरमानी बादाम 150 रुपये किलो। जनाब क्यों होना पे? बंद करो जरा, बंद करो। की किया जी? रिकॉर्डिंग की थी? रिकॉर्डिंग की थी जी। हाँ जी, अपने आप हूँ बोलेगा। हाँ जी, वो चलाओ जरा नू। क्या बात है जनाब, ये जी नया सिस्टम है इनके पास। बंद करो जरा ये स्पीकर, इसमें ये 2-3 दफ़ा बोलते हैं, उसके बाद ये अपने आप बोलते रहता है। पहले ये होता था कि ये लोग ना सारे दिन बोलते रहते थे, अब इनको ये सहूलत मिल गई है, खुद ही रिकॉर्डिंग करते हैं और बाद में स्पीकर खुद ही बोलते रहता है। ये कितने का लिया आपने?
3000 का ये इन्होंने 3000 रुपये का लिया है। और ये बड़ा फ़ायदा माने देखें आप, कीमत ठीक है 3000 रुपये काफ़ी चल जाता है। हाँ जी, इसमें USB भी लग जाती है। अच्छा, आपने क्या लगाया भाई? हमने दुशहरी लगाई है। दुशहरी आम लगाया हुआ है, दिखाएं ज़रा। ये जी दुशहरी आम है हमारा, ये किस इलाके का? ये रहीमी अरफान, रहीमी अरफान का। 150 रुपये किलो? हाँ जी 150। ये वैसे टेस्टी होता है, अच्छा होता है, बहुत अच्छा। तो आप व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। जुम्मे के टाइम में जुमा पढ़ते हैं, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।